कभी आपने वंडर किया है कि इतने छोटे बच्चे जो होते हैं झूठ बोलना कैसे सीखते हैं? कौन इन्हें सिखाता है कि ये झूठ है या सच है? इन्हें कोई नहीं सिखाता है कि तुम्हें झूठ बोलना है। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सेफ एंड वेल। आज का एपिसोड मेरा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेके है, जो कि है बिहेवियर कंसर्न्स जो हम सब पेरेंट्स को होते हैं अपने बच्चों के लिए। उसमें एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं, और एज अ पेरेंट मैंने खुद ने भी ये प्रॉब्लम फेस की है, वो है झूठ बोलना। हम सब के बच्चे किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी न किसी एज पे आके झूठ बोलने लगते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि व्हाई किड्स लाई, व्हाट कैन वी डू to avoid them lying, how can we teach them honesty, how can we teach them, how can we encourage them to speak truth। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, क्या आपने सोचा है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? रीज़न क्या क्या हो सकते हैं बच्चों के झूठ बोलने के? पहला रीज़न आता है उनका झूठ बोलने का कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो उसको कवर अप करने के लिए, ताकि वो किसी ट्रबल में ना आ जाए, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि उन्हें अगर हमारा अटेंशन चाहिए होता है, जहां उन्हें फील होता है कि मम्मी या पापा मुझे अटेंशन कम दे रहे हैं, शायद मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे और अटेंशन मिलेगी, इसीलिए वो करते हैं। थर्ड रीज़न एक होता है, वो ये होता है कि जब उन्हें पता होता है कि हमने झूठ बोला है और हमारे पेरेंट्स को पता पड़ चुका है कि उन्होंने झूठ बोला है, हमारा झूठ कैच कर लिया है, तो वो हमारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते और वो हमारे मुंह पे ही झूठ बोल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद झूठ, या आप कह सकते हैं कि वाइट लाई, जिसको हम बोलते हैं वाइट लाई। सो ये 3-4 बेसिक रीजंस हैं जिस कारण से बच्चे झूठ बोलते हैं। अब कभी आपने वंडर किया है कि इतने छोटे बच्चे जो होते हैं झूठ बोलना कैसे सीखते हैं? कौन इन्हें सिखाता है कि ये झूठ है या सच है? इन्हें कोई नहीं सिखाता है कि तुम्हें झूठ बोलना है। झूठ बोलना जो स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो स्टार्ट करते हैं अर्ली ईयर्स में, जो कि होता है 3 ईयर्स से ये चालू होता है झूठ बोलना। अब आप खुद वंडर करेंगे कि 3 साल का बच्चा कैसे झूठ बोलता है। 3 साल का बच्चा बहुत स्मार्ट बन जाता है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके, और उसे पता नहीं होता है कि ये झूठ होता है। उसे ये वर्ड हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट ऑटोमेटिकली उसे अपने फेवर में चीज़ें बदलना आ जाती है, इसलिए वो उसे झूठ बोलने लगता है। बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं अर्ली ईयर्स में, जो कि है 3 साल की एज। 3 साल की एज में बच्चे जो है समझ जाते, उन्हें महसूस हो जाता है कि हमारे मम्मी पापा जो है हमारा माइंड नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम इनको वो सारी बातें बोल सकते हैं जो कि फॉल्स है या रियल नहीं है, क्योंकि इन्हें ये पढ़ नहीं सकते हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, बाय द एज ऑफ 4 और 6, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगते हैं, और इनका झूठ का जो आप कह सकते हैं रेट और बढ़ता जाता है, वो और रियल लगने लगता है। वो इसीलिए क्योंकि ये अपनी वॉइस टोन, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस को अपने झूठ के साथ मैच करना सीख जाते हैं, तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं झूठ बोलने में। फिर इससे बड़े जो बच्चे होते हैं वो और बहुत बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, हम लोग को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अब हम कुछ भी झूठ बोलेंगे हमारे पेरेंट्स को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ पता नहीं पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि ये एक एज के बाद में इनमें ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है कि मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे, या चाचा चाची क्या सोच रहे होंगे, या कोई भी और है वो क्या सोच रहा होगा, तो उनकी सोच के हिसाब से ये झूठ को या चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं। सेकेंडली, इनके पास अब इतना एक्सपोजर हो चुका है वर्ड्स का, इन्हें इतनी सारे वर्ड्स आ चुके हैं बचपन से लेके अभी तक, कि ये लोग उन वर्ड्स को यूज़ कर झूठ बोलते हैं। फिर आती है एडोलेसेंस एज, जो कि होती है 10-11 से अप्रॉक्सीमेटली 12-13 साल तक। तो ये 3-4 साल जो होता है, इसमें तो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से झूठ बोलते हैं, और ये इसीलिए बोला जाता है, बेसिकली एक रिसर्च के थ्रू ये पाया गया है कि ये जो झूठ होता है, ये होता है सफ़ेद झूठ। जब ये जानते हैं कि ये झूठ बोलने से मेरी मम्मी की फीलिंग को हर्ट होगा, तो वो उसके ऊपर और झूठ बोलते हैं उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, जिसे कहा जाता है सफ़ेद झूठ।
तो ये तो मैंने आपको बताया कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और किस एज में ये झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम ये छोटेपन से ही बच्चों को ये हैबिट्स जो है छुटवा सकते हैं, या जिन बच्चों को ये हैबिट्स नहीं है वो इनको ये आगे कंटिन्यू ना हो और ये टॉडलर से ही ये जो बैड हैबिट है ये चली जाए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप ये कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले आप अपने बच्चे के साथ बैठिए जिस एज में आपको लगता है कि अब ये 4 साल का हो चुका है या 5 साल का हो चुका है बट ये झूठ बोल रहा है, आपने ये चीज़ कैच कर ली है, तो आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और उनसे उस चीज़ के बारे में बात करिए, उन्हें समझाइए वर्बली कि झूठ होता क्या है, मैनिपुलेशंस होते क्या है और सच क्या होता है। और अब साथ में उन्हें ये भी बोलिए, क्या आपकी मम्मी आपको कोई चीज़ झूठ बोलेगी तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पापा आपकी मम्मी से कोई चीज़ छुपाएंगे या झूठ बोलेंगे तो मम्मी को कैसा फील होगा? उन्हें खुद का एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि क्या आपकी टीचर आपसे झूठ बोलेगी या कोई चीज़ छुपाएगी तो आपको कैसा फील होगा? इस तरीके से वो अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और वो झूठ बोलना शायद छोड़ सके या बोले ही नहीं। सेकेंड चीज़ आप उनके साथ ये कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस ही अवॉइड करिए जहाँ पे वो झूठ ना बोले। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपका बच्चा यहाँ झूठ बोलने वाला है तो आप वो सिचुएशन ही ना आने दें। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक दिन मेरे बेटे के हाथ से दूध धुल गया था और मैं कहीं बाहर गई थी, मतलब जस्ट अ मोमेंट आई वॉज जस्ट आउट इन द किचन, मेरा बेटा डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और उसके हाथ से दूध धुल गया और वो चीज़ मैंने नोटिस कर ली थी। बट उसे शायद मन में ये था कि उसके दूध धुलने पे मैं उसे गुस्सा करूँगी और उसे मतलब शायद नाराज़ होंगी। तो जब मैं आई तब मैंने उससे पूछा कि ये दूध कैसे धुला, ये मुझे पता था कि वो झूठ बोलेगा या फिर वो मैनिपुलेट करेगा कि ये दूध ऐसे धुला वैसे धुला, बट मैं नहीं चाहती थी कि वो झूठ बोले। तो झूठ बोलने के पहले ही मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, हो सकता है ये दूध गलती से गिरा हो, आपसे एक्सीडेंटली गिरा हो सकता है आपका हाथ लग गया हो, तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। तो झूठ बोलने की सिचुएशन मैंने आने ही नहीं दी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर झूठ बोलने की सिचुएशन आने देती और अगर उसके झूठ से मैं कन्विंस हो जाती और ये चीज़ वो देख लेता कि हाँ मम्मा कन्विंस हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम भी वो कोई दूसरी गलती पे यही चीज करता। थर्ड चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने बच्चे को प्रेस करिए अगर वो खुद होकर आकर आपको अपनी गलती बताता है कि या बताता है कि मम्मा आई एम सॉरी मैंने ये झूठ बोला था या मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ऐसा नहीं ऐसा था, तो आप उसकी पीठ थपथपाइए, उसके बैक पे पैट कीजिए एंड टेल हिम You are wonderful. I'm so happy कि आप मेरे पास में ये चीज़ को लेके आए, आपने बताया, आपने एक्सेप्ट किया, तो let's sit together and sort out the things. हम बैठते हैं साथ में और इस चीज़ को फिक्स करते हैं। इस तरीके से जब आप उसे प्रेस करेंगे तो उसे एनकरेजमेंट मिलेगा ऑनेस्ट होने का, ट्रुथफुल होने का और झूठ ना बोलने का। फोर्थ चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उसके सामने रोल मॉडल बनिए कि आप खुद ऑनेस्ट हैं, आप खुद अपनी गलती मानते हैं। उस चीज़ के लिए क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँगी कि जैसे मैंने दाल बनाई है मेरे बेटे के लिए और गलती से मेरे हाथ से पानी ज़्यादा डल गया और दाल उसमें कम है, बट मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है उसको ठीक करने के लिए, तो मैं उसको खुद ही एडमिट करती हूँ अपने बच्चे के सामने कि आज दाल थोड़ी पतली हो गई है, ये ठीक नहीं है, ये शायद मेरी गलती से ही हुआ है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस चीज़ को रिप्लेस कर दें, क्यों ना हम इस चीज़ को ठीक कर दें, तब वो खुद कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करेगा कि हाँ मेरी मम्मी ने झूठ नहीं बोला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले पॉइंट में बताया था इससे पहले वाले में कि नहीं, उन्होंने उस चीज़ के लिए अपनी गलती को माना और इस चीज़ को वो ठीक करने जा रही है। तो अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके लिए रोल मॉडल बनेंगे ऑनेस्टी का। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपके बच्चों को और आपको हेल्प कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं ऑनेस्ट रहने के लिए और ट्रुथफुल रहने के लिए और झूठ की हैबिट ना और आगे बढ़ने देने के लिए और ना बोलने के लिए।
तो अगर इस तरह की आपके पास और कोई टिप्स है जो आपको लगती है कि हम सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज ए पेरेंट, ताकि हमारे बच्चे झूठ ना बोले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू.